सेकंड का फोर्थ, एक मिनट, रोमन वन का सिक्स्थ, डीसी है ना उसका पूरा थर्ड। सर मैंने एक्स रेस टू एक्स को टी लेके सॉल्व किया और तो कोई हाँ तो नहीं वही वही पूरा डीसी लिखा हुआ है वो। रोमन वन कौन सा कह रहे हो थर्ड, ये 4.1 में था एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, रैशनलाइज कर दो ना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, अरे दिख रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और नीचे में कट जाएगा ना, नीचे में क्या आ गया a माइनस बी आ गया, अरे क्लियर है। हाँ सर। अरे हाँ है ना, क्लियर है ना, अभी देखो ना क्या हो गया a माइनस बी हो गया, यहाँ पर क्या लिखा है x इंटू एक्स प्लस ए माइनस x इंटू एक्स प्लस बी, कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस ए कैसे करते हैं क्या, एक्स इंटू एक्स प्लस ए कैसे करते हैं, दो तरीके है करने के, या तो एक्स प्लस ए को टी ले लो, एक्स प्लस ए को टी ले लो, 4.2 में था ना नीचे के रोमन 3 के 10 11 12, ये तरीका है, या एक्स को तुम चाहो तो एक्स प्लस ए माइनस ए इंटू रूट एक्स प्लस ए लिख दो, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, अरे क्लियर है क्या, हेलो। हाँ सर। ये तो बनना चाहिए अभी यार, अभी इसमें आप बाय पार्ट सोच रहे हो क्या, क्या बोलते हो, चलो नेक्स्ट बोलो, रोमन वन पहले डिस्कस कर रहे हैं, रोमन वन सिक्स सर, सिक्स वाला हाँ सर, इनको अपन बाय पार्ट से करेंगे तो नहीं होगा क्या, किनको बाय पार्ट से, इसको हाँ इसके बाद में वो मतलब उस स्टेप के बाद होगा, तो बट क्यों करना है, अपन जो पढ़े वो करेंगे ना यार, फालतू चीज नहीं करनी है, सिक्स वाला बताइए ना सर, रोमन वन का कौन सा, रोमन वन का सिक्स, एक्स की पावर एक्स को ए ले लो, डिफरेंशिएशन आनी पड़ती है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है तो दो साइड डिफरेंशिएट कर दो, x की पावर x को t का डिफरेंशिएशन क्या होता है मालूम है क्या, x ln x equals to ln t, है क्या हो जाएगा x 1 by x plus ln x is equals to dt by dx, t dt है ना, तो तुम्हारा t कितना है x की पावर x 1 प्लस लॉन एक्स, यही तुम्हारा dt हो गया ना, समझे क्या, हेलो समझ गए, हाँ सर, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, रोमन वन बोलो, हो गया रोमन वन, हाँ सर, रोमन टू सर, सर वो रोमन टू के टू में सर हमें लॉग एक्स को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना, पता नहीं देखना पड़ेगा, आई थिंक कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या ऊपर नीचे, वन प्लस लॉग एक्स ऊपर लिखा है नीचे में वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू लॉन एक्स प्लस एक्स लॉन स्क्वायर, ये तो फैक्टराइज हो रहा है ना ऊपर नीचे, हाँ सर, वन प्लस लॉन एक्स नीचे में क्या फैक्टराइजेशन है, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स लॉग एक्स, वन प्लस एक्स लॉन एक्स, तो इसका स्क्वायर तो कट जाएगा और इसका डीसी ऊपर है, नेक्स्ट
सर फोर्थ में x को t पावर 6 लेके ही करेंगे ना. हाँ नेक्स्ट सर एट्थ cos 2 cot inverse 1 minus x by 1 plus x. देखो ना ये देख के फील आती है ना, x को डाल दो ना cos 2 theta, ठीक है तुम्हारा dx क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 theta d theta है ना. तुम्हारा क्या लिखा हुआ बताओ, cos 2 cot inverse क्या लिखा हुआ बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर. तो अभी ये क्या लिखा है, कॉस 2 कॉट इनवर्स टेन थीटा लिखा है ना, है ना? हाँ सर. अभी क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई बाय टू माइनस, हेलो पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स टैन थीटा. हाँ तो पाई बाय टू माइनस थीटा हो जाएगा ना ये, और ये टू से कट के यहाँ आ जाएगा, क्या आ गया फाइनली लिखा हुआ, कॉस पाई माइनस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा. तो माइनस कॉस टू थीटा बाहर में माइनस टू साइन टू थीटा है और ये डी थीटा है, तो क्या बन गया साइन फोर थीटा डी थीटा. क्लियर है क्या? हाँ सर. नेक्स्ट तो क्या लिखे, तो पाई बाय टू माइनस टू थीटा है क्या, पाई बाय टू माइनस थीटा. ओके ये टू को अंदर लिया बाद में. हाँ कौन सा करना है, 11th. 11th. X की पावर 4 को टी लो, देखो कुछ होता है क्या, फिर बताओ. X की पावर को 4, X की पावर 4 को टी लो 11th में, देखो कुछ हो रहा है क्या. X की पावर 4 को टी लो, कुछ हुआ तो बताओ. इसने डाउट पूछा था, बोलो. हाँ सर एक मिनट, मतलब ट्वेल्थ वाले में से कौन सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना. रुक जाओ पहले इलेवेंथ वाला होने दो ना. क्या हुआ? हाँ समझ गया. क्या हुआ? ऊपर x की पावर 4 बन गया और नीचे 1 प्लस x की पावर 4 स्क्वायर हो जाता है, मतलब फिर सॉल्व कर दूंगा. कैसे प्लस माइनस 1? अब तुमने सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो बताओ ना फिर सब्स्टिट्यूशन. तो x की पावर में क्यों बोल रहे हो, t टर्म t की टर्म 1 प्लस t का होल स्क्वायर. हाँ अब कैसे करेंगे, प्लस वन प्लस माइनस वन. हाँ ठीक है. ट्वेल्थ वाला कैसे, किसी ने किया है क्या ट्वेल्थ वाला? हाँ सर. कैसे किया? x माइनस वन को वन बाय टी. ये कहाँ से मालूम था तुमको? सर मैंने पूछा था किसी को, तो फिर किसको पूछा था? संकेत बिरादर को. क्यों पूछा? सर मींस मैं बहुत बार ट्राई किया तो फिर आ नहीं रहा था तो. नहीं ना तरीका गलत है ना. श्रेया कैसे किया बेटा? x को tan theta सब्स्टिट्यूट किया. बन गया उससे? हाँ सर. बढ़िया. x को tan theta, साइन थीटा.
सर वो अंडर रूट के अंदर प्लस एक्स स्क्वायर है डीएक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो ऊपर में आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओम व्याकुल तुम सारे को सिर्फ संकेत व्यवहार से पूछ लेते हो नहीं सर ये ही पूछा था क्योंकि रात हो गई बहुत तो फिर मैं सोचा आपको नहीं डालता हूँ अरे ऐसा कौन सा लगता है तुम रात में नहीं पूछते हो डाउट सर चलो बकवास कर रहे हो तुम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये खत्म हो गया ठीक है डी थीटा बाई साइन थीटा अभी कैसे किया श्रेया इसके बाद सर उसको हाफ एंगल में चेंज किया टैन उसको हाफ एंगल में किया तो हो जाएगा उसको हाफ एंगल में करेंगे तो हो जाएगा ये क्लियर है हाँ सर ठीक है इतना पढ़ाया उसमें से करना चाहिए क्वेश्चंस को धनंजय ने कैसे किया थे क्वेश्चन सर मैंने टैन थीटा ही डाला था हाँ बढ़िया जितना पढ़ाया उतना करना है रे उसके आगे करने को तो बहुत दुनिया खत्म थोड़ी होती है हजारों सब्स्टिट्यूशंस हैं जैसे मैं जब शुरू किया था 2011 में तो मैं पता नहीं क्या 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 पढ़ाता था एक्चुअली उस वक्त एक बच्ची थी क्लास में हरिणी नारायणन तो उसके मैंने नोट्स जेरोक्स कराए थे एक बच्चे को निरुल में देना था कल या परसों ही मैं वो नोट्स देख रहा था पता नहीं क्या पढ़ाया था मतलब एक्चुअली नहीं पता मतलब पता नहीं कितने सारे सब्स्टिट्यूशन सिखाए थे अब तो मतलब वही ना पहले मतलब तो फालतू चीजें नहीं पढ़नी चाहिए टाइम पास करने के लिए चलो नेक्स्ट बोलो तुम जितना पढ़ाया उसमें ट्राई करेंगे नेक्स्ट बोलो हाँ नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट तुम डाउट पूछो डाउट पूछो 14th वाला क्या बोलता है बिल्कुल संकेत ब्रदर ने इस क्वेश्चन के लिए सर उसने सॉल्व किया तो मैंने पूछा कि कैसे बताया तो फिर वो बोला कि एडीएसआर बढ़ाएंगे ये किसलिए तो हुआ होगा धनंजय तेरा बेटा धनंजय हुआ है बेटा तो मैंने पूरा हाफ एंगल में कर दिया पहले रैशनलाइज कर दिया बढ़िया रैशनलाइज करो cos 2 थीटा बाय sin थीटा इनटू cos 2 थीटा ठीक है अब मैं थोड़ा बिना हाफ एंगल के जाने चाह रहा था तो cos 2 थीटा है cos 2 थीटा को लिख देते हैं क्या लिखना फायदा रहेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ फायदा होगा क्या लग नहीं रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कुछ फायदा होगा क्या अच्छा क्या होगा 1 बाई साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा अभी कुछ दिख रहा है क्या बताओ तो सर साइन थीटा कट जाएगा कट गया ना साइन थीटा तो अभी क्या दिख रहा है बताओ कौन सा इजीली सॉल्व हो गया ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको क्या लिख दे नीचे में कि सॉल्व हो जाएगा बताओ तो cos square theta minus sin square theta लेकिन थोड़ा फायदा होगा इसमें किससे फायदा होगा one minus two sin cos two cos square theta minus one अरे मधुकरण सोचा भी तो करो फायदा किस चीज़ से बस बोल देते हो one minus two sin square से कैसे फायदा होगा ऊपर आपका कहाँ dc बन रहा है ये तो सॉल्व हो गया ना अब हाँ सर ठीक है अभी इसमें इसमें क्या करें टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लेंगे ठीक है
ठीक है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अगर लोगे और साइन कॉस को डी टी पुट करोगे, तुम्हारा आएगा नीचे में साइन स्क्वायर, तुम्हारा बन जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर इंटू टू टी स्क्वायर माइनस वन। ये तो सॉल्व हो गया, फिर फंस गए ना इस फॉर्म में, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ले लेंगे। कहाँ पे बोलो, यहाँ पे? हाँ सर। चलो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ले लेंगे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर क्या करेंगे यहाँ पे सर? फिर साइन को बाहर ले लेंगे। साइन को बाहर लो, बढ़िया। साइन को बाहर लोगे तुम्हारा बन जाएगा साइन आ गया कोसेक थीटा, है ना? तो ऊपर चला गया कोसेक स्क्वायर थीटा। डीसी बनाओ, डीसी 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 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ सर। देखो गलती क्या कर रहे हो तुम लोग, ने डर जा रहे हो, बड़े क्वेश्चन डरो मत, छोटे छोटे सब्शन करो, काम बिल्कुल सिंपल है, डीसी बनाना है बस, नो इफ्स नथिंग बट ओनली डीसी। नेक्स्ट बोलो। फिफ्टीन कराया था ऊपर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसका डीसी है सर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डीसी होगा, तो साइन टू एक्स को लिख दो ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस हाफ। क्लियर है? अरे हेलो। हाँ सर। क्लियर है क्या? डीसी बना रहे हैं डीसी, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो सर। 16 प्रियंका रघुनाथ, एक ही तो सिखाई थी मैंने इसमें, साइन पावर फोर प्लस कॉस पावर फोर, किसमें चेंज करना सिखाया था? साइन पावर फोर प्लस कॉस पावर फोर को किसमें चेंज करना सिखाया था प्रियंका? स्क्वायर कॉस स्क्वायर में। हाँ करो, बताओ कितना आता है? माइनस थ्री साइन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ जी, अभी क्या दिक्कत है? ए टू 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 फोर दिया है ना, क्या लिखा है? टू बाय टू माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्या? हाँ सर। क्या कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है ये? अरे हेलो, नेट नेट है कि चली गई? हाँ कौन सा फॉर्म है ये सर? नहीं चमक रहा। नोट देखो, इतने स्लोली इंटीग्रेशन करने का क्या फायदा है, आपको ध्यान नहीं है फॉर्म तो। नोट देखिए, नोट देखिए, सर टैन इनवर्स। नहीं नहीं नहीं, ये स्पेशल फॉर्म है, इसमें कुछ करना पड़ता है पहले। दिखा? नहीं सर। नोट्स पूरा देख, नोट्स कॉपी करती भी हो तो नोट्स में तुम्हें नहीं दिख रही है? जब मैंने स्पेशल टाइप शुरू किया था वही देखो वहां पे सर, sec square x by cos sec square x से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ फिर कैसे भूल सकते हो, पूरा एक्सरसाइज किया है इसका बैठ के। साइन स्क्वायर टू एक्स बाहर निकालोगे ना,
तो क्या हो जाएगा बताओ प्रियंका रघुनाथ? सो ऊपर में cos x स्क्वायर आ जाएगा फिर dc होगा। नीचे में क्या बन जाएगा cot ना? हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो सर। रोमन थर्ड का सर फोर्थ वाला बाईपास लगाओ। सर हाँ सर इसमें लॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ही टी लेके कुछ कर सकते हैं क्या? कितने बोला सर? ये खुद सोचा। सही सोचा। लेट्स अप्लाई बाय पार्ट्स। लॉग एक्स प्लस इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना इनटू वन प्लस। कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर एक बात कहनी है। मैंने कहा बोलो सर। गुस्सा मत होना। मैंने कहा बोल भाई। कहता है सर आपने एग्जाम क्यों हटाया था आज का? मैंने कहा दशहरा है। फिर वो पूछता है तो सर फिर कल क्लास को रखे हो आप? मुझे उसकी बात मतलब एक्चुअली सही लगेगी। मतलब फिर तो अपन टेस्ट ही ले लिए होते हैं यार। मतलब ये थोड़ा इलॉजिकल हो गया कि टेस्ट हटा के क्लास ले लिया। ठीक है तो ये x इंटू लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है और यहाँ आ जाएगा कितना आ गया माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर है ना। अभी बताओ यहाँ पे कुछ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर को टी। हाँ एक्स स्क्वायर को टी। ठीक है अब मैं एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी आज। ठीक है थोड़ा ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ठीक है ध्यान दो सुनो। हेलो ये बताओ डी साइन एक्स क्या होगा? बोलो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉमन सेंस समझ में आता है ये मैं क्या कह रहा हूं है ना। ये देखो डी वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। बोलो क्या होगा? लॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चमक रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ सर। This is very important. अब इसको मैं हर क्वेश्चन में यूज करूंगा बहुत फास्ट होता है। ये 1 by 2 किया यहाँ क्या लिखा है बोलो? dx square by x square plus a square का पावर हाफ। चमका क्या क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ? x square plus a square minus half plus half plus half है ना और by half plus c। मैं आपका लास्ट स्टेप हमेशा खत्म कर सकता हूँ ऐसे ना। अगर नहीं समझ में आया आपको कोई बात नहीं आप एक्स स्क्वायर को टी ले लो सेम चीज बनेगी। ये क्लियर है क्या? सर वो राइट वाला नहीं समझा। नहीं समझा। अच्छा ये बताओ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय टू। क्यों? क्योंकि जो डी के अंदर है वही बात हमने जो फॉर्मूले दिए थे आपको वो डी के अंदर के लिए दिए थे ना है ना। हाँ तो सेम चीज है। अगर मान लो tan x इंटू डी tan x है तो आप मन में सोच ही सकते हो ना कि tan x को मान लो थोड़ी देर के लिए a मान ले तो क्या लिखा हुआ है? a da लिखा हुआ है ना। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। सिनेस कॉपी अच्छे से कॉपी कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। नेक्स्ट बोलो रोमन थ्री। हाँ सर।
रोमन थ्री हो गया नहीं सर, फिफ्थ में डाउट है, थर्ड के फिफ्थ हम भी अकुल हो गया ये। हाँ सर खुद किया लो, वो कहानी सुने बचपन में याद है, कौन सी कहानी बोल रहा हूँ बताओ? नहीं पता सर, सोचो कौन सी कहानी बोल रहा हूँ। Anybody having any IQ? मैं कौन सी कहानी बोलूंगा हूँ मैं अकुल को? वो कौवे की। कौन सी कौवे की बोलो, कौन से कौवे की? क्या सर, खस्ती करो ना, वो कौन सा, जो मैं जो जो पॉट में पत्थर भर भर के पानी पीता है उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ शायद बा, उसकी कहानी थोड़ी ना आएगी। ओम व्याकुल पे कौन सी कहानी सेट होगी बताओ? एनीबॉडी? क्या यार अस्मित, सर मैं भी खुद का काम खुद करूं। क्या खुद का काम खुद करूं? नहीं अस्मित नहीं क्लास में गया, वो सब कहानियां सोच लेता है अच्छे से। वो कहानी थी वो जंगल में एक बच्चा था, तो उसकी जब भी ड्यूटी होती थी कहता था भेड़िया आया भेड़िया आया, लोग आते दौड़ के कहते हैं मैंने मुर्ख बनाया। तो वैसे हो गया ना आपके साथ थोड़ा बहुत, तो आप क्वेश्चन करोगे मुझे लगेगा कि संकेत बिरादर ने किया है। ठीक है एनीवेज, हाँ ये वाला देखो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ये कहीं है, वो तो नहीं का ही एक छुटा हुआ पार्ट है। ठीक है तो आप ये समझ लो कि कहीं है वो तो नहीं कश्मीर था पहला वाला, तो ये लद्दाख है। ठीक है इट्स लाइक कि यार आप ना कर नहीं सकते उसको, मतलब कर सकते तो इट्स लाइक कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपको थोड़ा सा मैं पढ़ाया नहीं था जानबूझ के वाला कि आप करो ये खुद से। आप ना इसमें बाई पार्ट लगाओ, इसमें बाई पार्ट लगाओगे तो क्या होगा? हाँ भाई इसमें बाई पार्ट लगाओगे तो क्या होगा बोलो? राइट वाला टर्म आ जाएगा। इसमें बाई पार्ट लगाते हैं वन लेके तो क्या हो रहा है? एक्स इंटू लॉन ऑफ वन प्लस कॉस एक्स, अरे भाई क्लियर है, और डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? वन प्लस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू एक्स। क्या भैया क्लियर हो गया कि क्या लिखा है? एक्स लॉन वन प्लस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स को लिख दो, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू बाई वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आपका हो गया एक्स लॉन वन प्लस एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू इंटू एक्स। क्लियर है क्या? तो माइनस एक्स टेन एक्स बाई टू, ये और ये कट गया कॉस कॉस कॉस। क्लियर है? तो कहीं ये वो तो नहीं का ही पार्ट टू है ये। ठीक है कहीं ये वो तो नहीं का पार्ट टू है, और ये ऐसा है एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स dx is x fx. ठीक है by parts लगाओ, fx पे by parts लगाओ, देखो क्या आएगा। fx पे अगर तुम by parts लगाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो? x into, अरे हेलो, fx पे by parts लगाओगे तो क्या होगा? fx into x, इसका डिफरेंशिएट करोगे f dash x, अरे हाँ या ना? और ये क्या हो गया, कट गया ना, तो x fx बचा, चमका क्या? कहीं ये वो तो नहीं पार्ट टू चमका। तो ये देखो मान लो आपका ऐसा लिखा है sin x plus x cos x, क्या हो जाएगा आंसर? x sin x plus c चमक रहा है। मान लो ऐसा लिखा है
tan इनवर्स x प्लस x बाई वन प्लस x स्क्वायर क्या होगा? x tan इनवर्स x प्लस c. x tan इनवर्स x प्लस c चमक रहा है. ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है नॉर्मली, बच्चे भूल जाते हैं, एज ए फैकल्टी मैं भी भूल ही जाता हूँ. मैं नॉर्मली बाई पार्ट लाके कैंसिल ही कर देता हूँ, बट ठीक है ये कहीं वो तो नहीं कहीं कंटिन्यूएशन है. कई बार बहुत टफ क्वेश्चंस में बहुत फास्ट हेल्प कर देता है ये. सर सर आप e की पावर x tan x को बाय पार्ट से सॉल्व करके बता सकते हैं क्या? वो कोई क्वेश्चन में आया था पर मैंने ट्राई किया बाय पार्ट से तो वो कट ही रहा है और e की पावर x tan x का इंटीग्रेशन ही आ रहा है बार-बार. हो सकता है ना नॉन इंटीग्रेबल हो, मुझे क्या मालूम होता है नहीं होता. कि प्रिंटेड क्वेश्चन देगा तो मैं करूंगा. सर इस मिसलेनियस में शायद कोई तो था क्वेश्चन, देखते हैं फिर आए दो. हाँ नेक्स्ट. नोट्स में कॉपी कर लो इसको, कहीं वो तो नहीं कंटिन्यूएशन में. हाँ नेक्स्ट बोलो. सिक्स कल किया था ना सिक्स वाला. तो पहले बताओ कॉट इनवर्स के अंदर जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव है कि ऑलवेज नेगेटिव है? जो अंदर में क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? लेस देन जीरो है ना. अरे थर्ड के सिक्स में जो अंदर में क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है कि नहीं है? हाँ सर. इसका मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव है. तो जब पॉजिटिव रहता है तो कॉट इनवर्स टी को हमेशा क्या लिख सकते हैं? टैन इनवर्स 1 बाय टी. टैन इनवर्स 1 बाय टी. तो क्या लिखा हुआ है? टैन इनवर्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अरे चमक रहा है क्या ये? और एक अभी ऊपर में 1 को x माइनस 1 लिख के दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ना, टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स. ओके सर. अरे हाँ या ना यार भाई बोल दो यार. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. सो रोमन फोर कॉपी कर लिया आप लोग? कहीं वो तो नहीं? हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट बोलो. रोमन फोर बोलो. अरे हेलो बॉस. रोमन फोर के फर्स्ट वाले में ये कहीं ये वो तो नहीं का पार्ट टू था पर फिर मैंने ऐसे इंडिविजुअल पार्ट वन था ना भाई. पार्ट वन है भाई. पार्ट वन है भाई. लॉन सेक एक्स का डीसी लिखा है ना टेन एक्स. इसका डीसी लिखा है बॉस. नेक्स्ट थर्ड कौन सा? थर्ड. थर्ड तो पहले फर्स्ट दिन क्लास में किया था. e की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x. पहला स्टेप क्या करोगे? पहला स्टेप क्या करोगे? 2x को t करोगे. e की पावर t 1 प्लस साइन t 1 प्लस cos t 2dx dt by 2. ठीक है भाई. अभी वैसे लगता है तो किया तो था ये. ठीक है क्लास में कराया था ये मेरे ख्याल से. 1 प्लस साइन टी 1 प्लस कॉस टी को लिख दिया हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 डी टी. ठीक है हमारा हो जाएगा e की पावर टी और साइन टी को लिख दिया 2 साइन टी कॉस टी. हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 sec square t by 2 plus tan t by 2. अरे क्लियर है क्या? इसका डीसी है ना ये पूरा टर्म. बोलो क्लियर है?
हाँ सर अभी उतनी फील नहीं आई क्या आईटीआई में, मतलब मैं डी नहीं सोल्व कर पाऊंगा कैसे 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 कराऊंगा मैं डी आज, आप लोग को फील नहीं आई। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। रोमन फाइव रोमन फाइव डाउट है क्या रोमन फाइव में? नहीं सर। सर एक बार रोमन वन का थर्टींथ बता दोगे प्लीज? रोमन वन का थर्टींथ कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है? तो वन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स कन्वर्ट हो गया ना बेटा, देखो ना ट्रिग्नोमेट्री है ना, कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स क्या होगा तुम्हारा? ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले एक दिन पहले ही सॉल्व किया है तुम लोग के साथ। कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बाई कितना होगा बोलो? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इतना क्लियर है? हाँ सर। अभी देख एक कट जाएगा ना ऊपर नीचे, और कॉस एक्स बाई टू बाहर निकाल लिए तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू बाई वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है? ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स टेन ऑफ फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है? अभी इसको लिख सकती है ना फाइव बाई टू माइनस टेन इनवर्स टेन, खत्म हो गया, समझी क्या? हाँ क्या कहते फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, क्लियर है? हाँ सर। हेल्प करे हेलो रब करे क्या? हाँ सर। मोर ऊपर का पार्ट मेथड्स करे? हाँ सर। मोर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? देखो वन बाई लीनियर इंटू रूट लीनियर, दूसरा वन बाई लीनियर वन बाई क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर, तीसरा वन बाई लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, चौथा वन बाई क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक, पांचवा वन बाई प्योर क्वाड्रेटिक बाई प्योर मतलब इस टाइप की चीज ए टी स्क्वायर प्लस बी इंटू पी टी स्क्वायर प्लस आर, ठीक है? ये कुछ और टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो पहली बार में ना मैं इसको डील कर रहा हूं, ठीक है? तो आप सोच के बताओ, मैं चाहता नहीं हूं कुछ सिखाना, ठीक है? आप ही सोच के बताओ मुझे, एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स प्लस सेवन ले लेते हैं, थॉट ऑफ एक्स प्लस थ्री ले लेते हैं, और यहां पर वन बाई टू इंटू, बोलोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बोलोगे तो भी अच्छा ही रहेगा। चलो बोलो पहले इन दोनों में कैसे, आपको क्या, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है बोलो? मैं नहीं चाहता आपको कुछ भी सिखाना, मैं चाहता ही नहीं, मैं हजारों क्वेश्चन आएंगे इंटरेस्ट ने कहाँ कहाँ सोचते रहोगे। आप बताओ आपका मन क्या कर रहा है, पहले वाले में क्या मन कर रहा है आपको? क्या
सर x plus 3 को t लेंगे। अरे श्रेया तुम तो कह रही हो ना, मतलब वो यार मतलब ठीक है x plus 3 माइनस उससे फंस जाओगी ना, एक टर्म में तुम्हारा गंदा फंस जाएगा। किसी और ने कुछ बोला? बोलो सर x plus 3 को t लेंगे। कुछ नहीं होगा उससे, क्या होगा, जो कह रहे हो करके देखो, जो जो कह रहा है वो करके देखो, सोच के बताओ मुझे, सोच के बताओ, हाउ डू यू थिंक? बोलो मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है यार, आप लोग उस करने को तैयार नहीं होते हो। बोलो x प्लस थ्री को टी स्क्वायर, x प्लस थ्री को टी स्क्वायर क्या बेनिफिट होगा, टेल मी द बेनिफिट। टू टी डी टी, इतना नहीं सोच पा रहे हो श्रेया, क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टू इंटू टी, टी और टी कट गया, क्या हो गया टू डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस टू। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? बेसिक्स नहीं बोलो, सेकंड वाले में बताओ क्या होगा, सोच के बताओ, सोचो, करो करो, सोचो करो, सोचना क्या, करना ही तो है, सोचो। बोलो x प्लस वन को t स्क्वायर। बढ़िया, x प्लस वन को t स्क्वायर dx, आप देख रहे हो लीनियर जब भी रहता है सीधा वो पकड़ा जाता है, ऊपर पकड़ा दिया जाता है भाई जाओ तुम, है ना, क्या होगा। लेकिन इससे x प्लस वन को t स्क्वायर किया तुमने, ये लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इंटू टी, है ना, तो टी टी तो कट गया, क्या बचा टू डी टी बाई टी पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। अभी ऐसे सॉल्व करें, अरे हेलो स्क्वायर बना के परफेक्ट स्क्वायर, हाँ तो कौन सा मेथड हुआ, क्या वाला है ये, वो प्योर, कौन सा प्योर, अरे आई थिंक प्रोणति ने आंसर दिया था ना ऊपर वाले पार्ट का, उसको नीचे वाले पार्ट का आंसर नहीं आता है, प्योर बाय क्वाड्रेटिक। हाँ सर, तुमने दिया ना इसका आंसर, तो तुमको ये नहीं आता है? आता है सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, फाइन, अभी आते हैं अपन, आप इसको कॉपी कर लीजिए, अभी कॉपी करिए, कॉपी कर लिए सर। हो गया सर, बाकी लोग कॉपी कर लिए? नहीं सर। आपको आपके इंटीग्रेशन के टाइप जो क्लास में पढ़ाए गए हैं वो पता होने चाहिए, तब आप सोच सकते हो उसके अच्छे क्वेश्चन, नहीं तो फंस जाओगे आप। बोलो कॉपी हो गया क्या? थर्ड वन बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस एक्स प्लस सिंपल ले लो ना यार, क्या आंसर पड़ता है। अब बोलो सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सोचने का समय दूं ना कि मतलब क्या चाहते हो। हाँ सर। अभी रश्मित वर्तक ज्वाइन कर रहा है, एक बार ग्रुप पे आप तो डाल दो भाई रिमाइंडर वापस से। एक्चुअली मैं भी कल रात में लेट ही सोया था, मैं भूल गया था सुबह क्लास है। मैं सोया कितने में, सोया ही सात चार साढ़े चार में सोया था। तुम लोग कोई डाउट ही नहीं पूछते हो, पूरी रात बोर हो जाता हूँ मैं। तो सोच पा रहे हो? कुछ प्लान तो किए होगे ना, कुछ प्लान भी नहीं है। एक्चुअली इससे आधा आसान ना फिफ्थ वाला पढ़ता पहले। चलो ठीक है, अभी दे दिया दे दिया। तुमको समझ में आ रहा है कि x माइनस वन को हटाना पड़ेगा कैसे भी? तो उसको टी लेके पी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना के फिर बाहर x माइनस वन, सुनो सुनो सुनो, x माइनस वन को टी लेगी तो तेरा वो टी तो कभी हटेगा ही नहीं ना बेटा, वो तो टी हमेशा रह जाएगा। तुमने अगर x माइनस वन को टी ले लिया बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। आपका क्या बनेगा बताओ? आपका नीचे में टी बन जाएगा, रूट के अंदर टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ऊपर में डी टी बनेगा, है ना। फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना सर। नीचे से आपको हाँ x माइनस वन को a ऑफ dc प्लस b में नीचे में चेंज करके क्या फायदा है रे? ऊपर में रहता है x माइनस वन, तब तू कह रहा है सही कह रहा था, नीचे में है ना कुछ फायदा नहीं, स्प्लिट नहीं कर पाएगा ना। अच्छा। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो ना, x माइनस वन को गायब करना है, x माइनस वन को गायब करना है। सर डिवाइड मल्टीप्लाई किया x माइनस वन से तो x माइनस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस वन को रूट टी लेंगे। नहीं, x माइनस वन को गायब करना है, आप लोग गायब नहीं सोच पा रहे हो सर। वन बाय x माइनस वन रूट टी। तुम मेथड पूछ के आ जाओ संकेत बिरादर से और बात करो फिर, है थोड़ी ना होता है सर। तुमने बोल दिया, चुप रहे। देखो क्या हो रहा है, सुनो, हम लोग को ना x माइनस वन को नीचे से गायब करना है, ठीक है। तो x माइनस वन को वन बाई टी लेके देखो कुछ हो रहा है क्या। टेक x माइनस वन को वन बाई टी एंड सॉल्व टिल एंड, पहले बताओ बेनिफिट क्या हो रहा है बिना कॉपी पेन छुए हुए। मुझे बेनिफिट सोच के बताओ बिना कॉपी पेन छुए हुए। तो टी बाय रूट ऑफ सर वो स्क्वायर रूट के अंदर के डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएंगे और नीचे भी स्क्वायर रूट में ही सब आ जाएगा और हम लोग को लीनियर में आएगा ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो इजीली हम लोग फिर कर सकते। कैसे कैसे भैया, कहाँ चला गया सर? कॉपी पेन से करके देखो, कॉपी पेन से करके देखो, x माइनस वन को वन बाय टी कॉपी पेन से करके देखो।
कुछ हुआ क्या? अरे हेलो, नेटवर्क है कि चला गया? आवाज आ रही है? हाँ सर। x माइनस वन को वन बाय टी लो ना। अब तक तो लिख के बेनिफिट दिख गया होगा, नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर, लीनियर खत्म हो गया। अरे बढ़िया। अब ये चीज ध्यान रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी आईआईटी में नहीं आएगा, बट ये तरीका काम आएगा, ठीक है? ये घर का फायदा है, आई कैन स्लीप फॉर टू मिनट्स। x माइनस वन इक्व टू वन बाई टी, dx इक्व टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। ये क्लियर है क्या? क्या हो गया देखो तो, अंडरस्टैंड द ब्यूटी। वन बाई टी यहाँ आया, x को क्या रिप्लेस किया तुमने बे? वन बाई टी प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना? बिल्कुल आराम से एक बार ये क्वेश्चन तुमको हाथों से करना पड़ेगा, ठीक है? अब डीएक्स कितना आ गया? माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। ओके, अरे हाँ या ना? अच्छा। नाउ थिंक क्या बन गया अंदर में? क्वाड्रेटिक, वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी। अरे बेटा क्लियर है क्या? प्लस वन है ना, और ये वन बाई टी, ये बात समझ में आती है? और इंटू क्या लिखा है? वन बाई टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है क्या? वो प्लस टी होगा ना लास्ट पर, प्लस टी नहीं होगा, प्लस टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर टी आएगा, है ना? हाँ सर। क्या फायदा हुआ? खत्म। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे समझे क्या? कॉपी करिए, कॉपी करिए। तो हाँ बोलो सर, इसी में x माइनस वन को t लेके किया मैंने, और रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक बना उसमें से t स्क्वायर बाहर लिया, तो उससे भी शायद हो रहा है। हाँ, सेम हुआ ना। यू आर डूइंग द सेम थिंग ना बेटा, बिकॉज़ आपका यहाँ t बन गया, आपका यहाँ पे t में क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है? और उसके बाद आपने टी स्क्वायर बाहर निकाला, आपका ये पूरा सिस्टम 1 बाय टी में चेंज हो गया, आपने 1 बाय टी को पी लिया और आपका ये 1 बाय टी स्क्वायर खत्म हो गया। सेम मेथड है ना बेटा? आपसे तो ना, आपने क्या किया, आपने x, आपने आपका दो स्टेप था ना सब्स्टिट्यूशन, आपने x माइनस 1 को पी लिया और फिर आपने 1 बाय पी को टी लिया, ऐसे ही किया ना आपने, है ना? वही तो सेम चीज करी है, ठीक है? क्लास चल रही। हेलो। अरे तुम लोग को मैंने पोयम भेजा था क्या, दर्शन जोशी ने बनाया था? मैं भेजता हूँ, रुक जाओ, अभी ब्रेक में भेजता हूँ, बड़ा मजेदार था। कॉपी कर लिए? ठीक है, खुद से सोचो, इंटीग्रेशन वही सीख सकता है जो खुद सोचता है, ठीक है? अभी आते हैं, तो वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, है ना? फोर और फाइव ना, फाइव ये नालायक पूछ के आ गया है ना कल, नहीं तो मैं अच्छे से बता पाता मैं। अब पूरी क्लास तुरंत सोच लेगी,
ano x square plus 1 4x square plus 1 हाँ सुनो सॉल्व करो. मैं आपसे पहला हिंट दे दूंगा ठीक है. 1, 2, 3 में से आप किस में इसको चेंज कर सकते हो? मेरे ख्याल से आप 1 में चेंज कर सकते हो. तो 1 में चेंज कैसे कर सकते हो ये सोचो बस. हाउ टू चेंज दिस टू 1. हेलो नहीं मिल पाएगा. हेलो हुआ क्या? थ्री में चेंज हो रहा है. थ्री में नहीं चेंज होगा, वन में चेंज हो जाएगा. हाँ सॉरी थ्री में सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ देखो ना, पहले क्या करेंगे कि एक्स को ना मैं 1/t डाल रहा हूँ ठीक है. इससे क्या हुआ, dx इज इक्वल टू -1/t²dt ठीक है. नहीं नहीं टू में, वन में चेंज हुआ सॉरी. तो dx माइनस 1/t²t हो गया ना. क्या हुआ इससे बताओ. अरे हेलो 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 हेलो. हाँ सर. तो x नहीं नहीं किसमें चेंज, क्या किया है मैंने ये, एक मिनट रुक जाओ मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ. नहीं सही है सही है सही है. हाँ तो ये आ जाएगा 1+t² ठीक है, 1+t²/t. हाँ चेंज तो हो रहा है. और ये बन जाएगा कितना, 4+t²(t), 4+t²(1/t²)। इतना क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है. और dt में क्या आ जाएगा, dt/t² with a minus sign. बोलो इतना क्लियर है. हाँ सर.
तो टी स्क्वायर कट जाएगा है ना, तो क्या आ गया बताओ, माइनस टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर इंटू फोर प्लस टी स्क्वायर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है क्या? टी स्क्वायर को वापस करेंगे रिप्लेस, माइनस डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर इंटू फोर प्लस टी स्क्वायर, और एक टी ऊपर गया है ना। अब कुछ दिख रहा है क्या? ये पहला स्टेप हो गया, अभी सेकंड स्टेप दिख रहा है आपको? टी स्क्वायर को पी। तो क्या हो गया? टू टी डी टी इक्वल टू डी पी है ना। क्या बन गया? माइनस डी पी बटा हाफ, और ये आ गया तुम्हारा वन प्लस पी इंटू फोर प्लस पी। अरे बच्चा अब चमका क्या? हाँ सर। अभी लास्ट स्टेप, ये सेकंड हो गया, थर्ड सब्शन क्या होगा इसमें? फोर प्लस पी को एम स्क्वायर। फोर प्लस पी को एम स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? तो ये क्या बन जाएगा? टू एम डी एम बाई वन प्लस पी, तो एम स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एम। तो ये और ये कट गया, ये सॉल्व हो गया। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। तो हम स्टार्टिंग में x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर सकते थे ना? x स्क्वायर को t करोगी तो फिर नीचे में तुम्हारा 1 बाय x बन जाता, और फिर तुमको x बाहर निकाल के, तुमको x x बाहर निकाल के फिर तुम 1 बाय x स्क्वायर को t करती, तुम्हारा 1 बाय x क्यूब कट जाता। यही बोल रही हो? तो जो रूट का टर्म आया नीचे, मैंने उसको क्वाड्रेटिक के साथ ले लिया, तो t में लीनियर रूट क्वाड्रेटिक बन गया। कैसे बताओ, कैसे? मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो बोलो क्या बोल रही है? तुमने x स्क्वायर को t लिया ना पहले स्टेप में है ना, हमारा क्या आ जाएगा? dt। तुमने यहाँ पर x मिस किया है क्या? ये x था, एक मिस किया है तुमने, t प्लस वन, x को रूट t लिखा। हाँ, 4t प्लस वन, अच्छा रूट t लिखा, उसको अंदर ले गए, t स्क्वायर प्लस t। हाँ, तो अभी तुम्हारा ये बन गया ना, कहाँ गया? ये वाला बन गया। You have to learn to play all the terms. ऐसे सेट नहीं होता, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? नहीं सर। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ इज वेरी थोड़ा सा, मतलब फोर्थ इन स्पेशल केसेस यू कैन सॉल्व, नॉट ऑलवेज।
ऑलवेज में फिर डिफिकल्ट चीजें आ जाती हैं जो अभी अपन उस स्टेटस में नहीं पहुंचे हैं कि अपन कुछ भी सॉल्व कर पाए. फोर्थ इन द स्पेशल केसेस यू कैन सॉल्व, इट्स नॉट लाइक कि आप ऑलवेज ही आराम से कर पाओगे. ठीक है, इन द स्पेशल केसेस जहां पे कुछ अच्छा हो आपको दिखेगा होता हुआ. यू कैनॉट सॉल्व ऑलवेज टू एनी क्वाड्रेटिक्स में फिर फंस जाओगे. ऐसे ये जो है ये सॉल्वेबल है, बताओ क्यों सॉल्वेबल है. दिस कैन बी चेंज टू व्हाट, दिस कैन बी चेंज टू, बोलो, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है ना एंड प्लस वन, सॉरी माइनस वन, अरे हाँ या ना, एंड दिस बिकम्स व्हाट, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री. बोलो भाई क्लियर है क्या. हाँ सर. नाउ व्हाट कैन बी डन, एक्स प्लस टू को टी, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस थ्री, है ना. कहाँ पहुंच गए अपन, अरे क्लियर है क्या. हाँ सर. हाँ सर. कॉपी करो. हो गया सर. हाँ अरे इतना क्लियर है क्या अभी तक. ठीक है, तो अभी इसी में अपन कंटिन्यू करते हैं मोर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में. ठीक है, तो अभी आप देखो ना, अभी आप क्या सीख रहे हो, आप सिंगल वेरिएबल सीख रहे थे ना. आपका पूरे सिस्टम में क्या था, एक्स एक्स था, ये बात समझ में आती है.
आपके पूरे सिस्टम में क्या था, एक्स एक्स था ना, है ना। तो अगर मान लो टू वेरिएबल्स आ गए, टू वेरिएबल्स मतलब मान लो एक्स है और वाई है, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो, तो मान लो कि वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे, मतलब इसको सॉल्व करना है कैसे करोगे बताओ। हेलो, मान लो ये करना है, कैसे करोगे? अबे बोलोगे? हेलो हेलो, कैसे करेंगे? दो साइड इंटीग्रेट कर देंगे ना सीधा? हाँ सर। अरे यार क्या हो गया भाई, दोनों साइड इंटीग्रेट करना नहीं आता है तुम लोगों को? आता ही नहीं आता ये पार्ट भाई, इंटीग्रेशन ही करना है ना, कर देंगे, क्या आ जाएगा बोलो? y² / 2 = x² / 2। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। मान लो ऐसा है तो sin x * dy = y dx, बताओ तो कैसे करेंगे? लेफ्ट में sin x कांस्टेंट तो y ऐड हो जाएगा। नहीं बेटा, dy / y, sin x इधर आ जाएगा ना आपका x के साथ। हाँ सर। क्या कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? लॉन वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉन कोसेक, लॉन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना सर? हाँ सर। वो श्रेया वाला मेथड रॉन्ग क्यों था? साइन एक्स को डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते नहीं है क्या भाई? वो एफ, वो एक्स का फंक्शन है, वो कॉन्स्टेंट थोड़ी ना है, वो एक्स का फंक्शन है। हाँ सर समझा। अच्छा ठीक है, ये बताओ एक चीज, देखो यहाँ मैं एक काम कर रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। कोसेक एक्स, आपको इंटीग्रेशन तो करनी है, फालतू का दिमाग लगा रहे हो। इस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉन ए लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। हाँ सर, ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। लॉन वाई चमकता है क्या? लॉन वन कट गया ना, क्या आ गया? वाई इज इक्वल टू ए कोसेक एक्स माइनस, अरे बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ये? हाँ सर। कॉपी करिए, ये जो डीवाई और डीएक्स में सिस्टम होता है ना, उसको थोड़ा सा मतलब आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको। वैसे मैं लिखवाऊंगा, पहले इसका खत्म कर लेता हूँ ये पार्ट। वाई और एक्स में जो सिस्टम होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो बहुत ही गलत चीज बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बट ठीक है, कुछ तो नाम दूंगा ना मैं इस चीज सिस्टम का। फिलहाल के लिए जहाँ पे डी वाई डी एक्स दिखता है वो आप मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चल रही है। अरे क्लियर है, कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। थोड़ा कंसंट्रेट करें सब लोग। आपको सॉल्व करना है दो तीन क्वेश्चन पहले, फिर आगे बात करेंगे। डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन, दूसरा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई साइन वाई, दोनों में सॉल्व करो, फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव में चीजें है ना, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अल्जेब्रिकल इक्वेशन आ जाएगी ना। ठीक है करो,
अरे आपको समझ में आ रहा है ना क्या निकाल रहे हैं? We are trying to get a relationship between y and x, algebraical relationship, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया क्या कि इंटीग्रेट करने के लिए dy के साथ y का टर्म और ds के साथ, अरे हेलो, x का टर्म, s का टर्म, अगर ऐसा होगा तो ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना? आप चलो इंटीग्रेट करो, फिलहाल देखते हैं. आपको फाइनली क्या निकालना है? व्हाट्सएप में क्वेश्चन क्या है बताओ, सभी में क्वेश्चन क्या है? फाइंड वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स. ये क्लियर है क्या? अच्छे से क्या निकालना है? हाँ सर. हाँ सर. अरे बिना दिमाग लगाए सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिना फालतू दिमाग ना लगाओ. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर. सोचना बहुत जरूरी है, आपको इंटीग्रेट करना है, बस खत्म खत्म बात. फालतू दिमाग ना लगाओ. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू इंटीग्रेट दिस सिस्टम.
अरे हो रहा है क्या? हाँ सर. कौन सा कर रहे हो? सेवेंथ. हाँ अभी फिफ्थ ऑनवर्ड्स थोड़ा, फोर्थ तक तो हो गया होगा आसानी से. फिफ्थ फिफ्थ कैसे कर रहे हो सर? एक्स प्लस वाई को टी लिया. फिफ्थ फिफ्थ में एक्स प्लस वाई को टी लेना अच्छा रहेगा. फिफ्थ हुआ, सिक्स हुआ, इस समय फायदा करेगा. वन टू थ्री फोर हो गया क्या? सब लोग बोलो यार. हाँ सर. सर आप फोर्थ वाला सॉल्व करके दिखा सकते हो? कुछ करना ही नहीं है रे. e की पावर इसको नीचे भेज और sec स्क्वायर वाई को, अच्छा tan वाई को नीचे भेज, वन प्लस e की पावर इसको इधर भेज. ठीक है? नहीं समझा? अरे हेलो, अरे मित्रा समझा? अबे ये चुप, जो लोग डाउट पूछे चुप हो जाते हैं ना, बड़ी गुस्सा आती है. हाँ सर. हाँ अभी अभी समझा. हाँ ठीक है. ये तो इंटीरेबल है ना रे, है ना? टेन वाई को टी खत्म. हाँ सर. अभी जो आज सुबह सिखाया उससे मैं सीधा लिख दूं, sec स्क्वायर dy को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ तो? डी टेन वाई, है ना? तो क्या लिखा हुआ है जो सुबह सिखाया? अप्लाई करो लॉन टेन वाई, है ना? और यहाँ पर क्या लिखा है बोलो? इस e की पावर s को मैं अंदर ले आ सकता हूँ ना सीधा. तो क्या लिखा हुआ है? थ्री लॉन, जो कर रहा हूं ये समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत फास्ट होता है इससे. अरे हेलो, नहीं डाउट पूछो बाबा. हेलो, नेट चला गया लग रहा है. अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर. अच्छा ओम व्याकुल, फिफ्थ और सिक्स में तुमने सही किया, सेवेंथ में क्या कर रहे हो? सर अभी तो मैंने x प्लस वाई को t लेके अटेम्प्ट किया. गधे, यही तो. तुम कहीं से पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत पहले से, तुमको आती थी, तुम दिमाग नहीं लगाते हो. नहीं सर, सेवेंथ वाले में खुद ही किया मैंने. सेवेंथ वाले में जरूरत है क्या जो तुम कह रहे हो करने की? अच्छा ये बताओ, तुमने सिक्स में जो तुमने x प्लस वाई को t लिया, फिफ्थ में क्यों लिया? उससे फायदा हो रहा था ना. सेवेंथ में क्यों लोगे बताओ? सेवेंथ में कुछ दिक्कत है क्या? e की पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं श्रेया? की पावर x इनटू e की पावर y. समझे बेटा? ओम व्याकुल समझे? तो हर हर मतलब फॉर एवरीथिंग सेम एरो शुड नॉट बी यूज. ठीक है. अरे दादा बाकी लोग प्लीज कंटिन्यू रखें सॉल्व करना. सर फिफ्थ बता दो ना. सर एक बार फिफ्थ बताएंगे क्या? फिफ्थ वाला एक्स प्लस वाई को टी लो, तो अभी दो साइड डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है बताओ? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है बोलो? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स. क्लियर है क्या? है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? रिप्लेस करो. अब dy by dx क्या रिप्लेस होगा बोलो? dt by dx minus 1. हेलो, तो dt by dx minus 1 is equals to t. अरे क्लियर है क्या? हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ जिसने डाउट पूछा था क्लियर हुआ क्या? एक्स वाई जो कह रहा हूँ लिखो ना, मैं सबको बोल रहा हूँ, इसको नहीं बता, सब लोग स्टेप लिखो मेरा क्या कह रहा हूँ. एक्स प्लस वाई को टी लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, क्या बन जाएगा बोलो? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो dt by dx क्या, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt by dx minus 1. तो अब जो क्वेश्चन उसमें रिप्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा? dt by dx minus 1 is equals to t. अरे क्लियर है क्या? तो dt by dx कितना हो गया? t plus 1 ना? हाँ सर. तो अभी dt by t plus 1 is equals to dx.
क्लियर है क्या? तो आ गया लॉन ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। हाँ सर आ गया। जिसका तीन चार लोगों का डाउट था ना फिफ्थ वाला कर दीजिए, उन लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर अच्छा समझ। अरे फिफ्थ वाला सबका आ गया है क्या सर? सर बट वो वाई के टर्म्स में नहीं आएगा ना, वो लॉग के अंदर में आ रहा है ना। नहीं तो क्या, अरे अरे उससे क्या अंतर पड़ता है, वो तो जो लॉन के अंदर आया है इसको e की पावर। अच्छा ही बताओ लॉन ऑफ y प्लस वन इक्वल टू एक्स है तो तुम y प्लस वन को e की पावर x नहीं लिख सकते हो? अच्छा हाँ ठीक है, उससे अंतर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लिसिटली y को x में लाना है, आप तो सिंपल ये समझो आपको इंटीग्रेट करना है बस, बाकी अपने को कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस इंटीग्रेट मारने के आप उनको। ये बात चमकती है? सर, अरे क्लियर है क्या? सेवेंथ में आप बोला कि e पावर x प्लस y को क्या लिख सकते हैं? अरे e की पावर x प्लस y को लिखना ना चाहिए ना, e की पावर x इनटू e की पावर y। अच्छा हाँ वही सर। a की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a की पावर m इनटू a की पावर n, नहीं मालूम है क्या आप उनको? हाँ सर मुझे लगा आपने कुछ और बोला था। ना जी ना। आप जो भी क्वेश्चन बोलेंगे मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको बोलना होगा लेकिन। फिफ्थ का आंसर चेक करिए आप अपना। मैक्सिमम टाइम ट्राई किया था इस वाले चैप्टर में कि लॉन वन में चीजें नहीं छोड़ी जाए।
सर आप एक बार सिक्स्थ वाला भी करके दिखा सकते हैं। सिक्स्थ वाला x plus y को t लो। हाँ सर। क्या बन बोलो क्या होगा? वन प्लस dy by dx equal to dt by dx। अब क्वेश्चन को रिप्लेस करो, dy by dx रिप्लेस करो, बोलो क्या बनता है? dt by dx equal to sin t plus 1। sin t plus 1। अब dt by sin t plus 1 से डिवाइड कर दो, dx को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा बोलो? dt by sin t plus 1 equal to dx। हाँ, अब dt by sin t plus 1 इंटीग्रेट करने आता है कि नहीं आता है? सर। हाँ? हेलो, आता है नहीं आता है? 1 plus sin t इंटीग्रेट करना। हेलो। हाँ सर। और जिसने ये पूछा है, आता है ना 1 plus sin t इंटीग्रेट करना? कैसे करेंगे 1 plus sin t इंटीग्रेट? ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो 1 minus sin t से, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1 minus sin t by cos square t, तो sec square t minus tan t sec t। सर वो फिफ्थ के इसमें a कैसा है वो एंड में? हाँ, जब तुम उसको a की पावर में रेज किए तो क्या आ गया? t plus 1 is equals to a की a sorry t plus 1 is equals to e की पावर x plus c आया ना? हाँ। तो t plus, अरे भाई जो सेकंड लास्ट स्टेप है ln t plus 1 is equals to x plus c, उसमें अगर e की पावर रेज करूंगे तो क्या आएगा? t plus 1 is equals to e की पावर x plus c आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। e की पावर x प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ ना, e की पावर x इंटू e की पावर c। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक।
अरे हाँ हो गया क्या, चल रहा है अभी तक? सेकंड लास्ट कर रहा हूँ। नाइन्थ में क्या करना है? नाइन्थ में क्या करना है? इंटीग्रेट करना है बे। तो मतलब टी लेके किया तो फिर मतलब फंस रहा है। किसको टी लिया तूने? सेकंड वाले टर्म को, 2x में वो पूरा। नहीं रे पागल, सोच ना थोड़ा थोड़ा, सोच तो थोड़ा, ऑब्जर्व करना, कुछ तो सिमेट्री होगी ना ऊपर और नीचे में, देख कुछ सिमेट्री होगी रे बेटा, कुछ सिमेट्री होगी, सोच ना एक बार, कुछ तो देख ऊपर नीचे, कुछ तो अच्छा दिख रहा होगा, तेरे को नहीं दिख रहा अच्छा? हां सर देखा वो, फिर वो चुप रहे।
अरे हो गया क्या सर? एक बार वो एट वाले में से डी वाई अपॉन एल एन वाई कैसे सॉल्व किया जाता है बताएंगे क्या एक बार? नहीं हो रहा सॉल्व क्या? बस वो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो लगा मैं तो देर ही मुझे लगा कि हो जाएगा सॉल्व, मिला नहीं लगा। देखते हैं हो सकता है भाई सॉल्व होता हो क्योंकि तो ये तो फंसेगा लग रहा है ऐसा। सर वो मेथड भी सर ln x plus y को ln x into ln y को लेके भी कर सकते हैं। है ln x plus y ln x into ln y नहीं होता है ठीक है। इसके बाद मेरे को एक ही मेथड दिख रहा है ln t equal to p। सॉल्व हुआ है क्या किसी का ये एट वाला? हाँ सर। ln t is equals to p लिया तो आ गया 1 बाई पी सॉरी 1 बाई टी डी टी इज इक्वल्स टू डी पी ठीक है। तो तुम्हारा क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ तो डी टी तुम्हारा हो जाएगा टी डी पी बाई पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी एक्स। अरे क्लियर है क्या अभी? टी क्या होगा? ई की पावर पी ठीक है। कैसे सॉल्व किया इसके बाद फिर? सर मैंने नीचे एक ही टर्म बनाया था लॉन टी ई लिख के फिर बाईपार्ट लगा। हाँ ठीक है तो इसके बाद बाईपार्ट से बना तो यहाँ ही बनेगा ना? इसके बाद बाईपार्ट लगाओ बनेगा ना? इसके बाद नहीं बनेगा? हाँ सर होना चाहिए। नहीं बनेगा इसके बाद कहाँ बन रहा है? ई की पावर पी को मैं बाहर लिया इंटीग्रेट कर नहीं सकता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर जो होगा इसका बढ़ते जाएगा सॉल्व भी नहीं होगा ये तो इसमें नहीं सॉल्व। तुम क्या कह रही हो? आई थिंक तुमने भी गलती किया होगा मोस्ट प्रोबेबली सॉल्वेबल नहीं होगा ये। क्या बन रहा है तुम्हारा बताओ? तुमने क्या किया लॉन पीटी फिर लॉन टीई को पी लिया लॉन टीई को पी को पी लिया ठीक है। तो 1 by et into e dt is equals to dp है ना? ये और एक कट गया इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया बताओ? तो dt की वैल्यू डाली dp की वैल्यू आ जाएगी dp और t ये आ जाएगा t तो e raised p minus 1 into dp लिख सकते हैं ना? e raise to p minus 1 e raise to p minus 1 कैसे लिख सकते हैं? क्या था ऊपर में? ऊपर में t था ना? हेलो ऊपर में तुम्हारा यहाँ पर क्या आया था? t आया था ना? आपका t का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? et is equals to e की पावर p है तो आपका t कितना आ रहा है? e raise to p minus अच्छा ये बोल रही है। हाँ सर। तो इससे e की पावर p 1 by e तो बाहर ले लिए और p नीचे आ गया फिर इसके बाद फिर बाईपार्ट्स लगाया। कैसे बाईपार्ट्स लगाएगी? बात तो वही बाईपार्ट तो फंसेगा इसमें कैसे हो जाएगी बाईपार्ट्स बता? इसको इंटीग्रेट करेगी डिफरेंशिएट करेगी जरूर p 1 by p ऊपर गलती से आ गया। हाँ वो ये क्वेश्चन सॉल्व ये सॉल्व नहीं होने वाला है तो या फिर डायरेक्टली ln x plus y को ही टी ले सकते थे ना? ले लो आई डोंट थिंक उससे कुछ उससे अंतर नहीं पड़ने वाला है सॉल्व ही नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली सॉल्वेबल नहीं है। ln x plus y equals to t उससे कोई अंतर नहीं पड़ता ना? नहीं सर उससे भी नहीं। क्या बोल रहे हो? इसी से भी नहीं हो रहा वो नहीं होगा वो नहीं होगा वो नॉन इंटीग्रेबल दे दिया शायद मैंने। एनीवेज नाइन्थ वाला हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। नाइन्थ वाले में क्या दिखा? न्यूमरेटर को स्प्लिट हो रहा ये दिख रहा है? हाँ सर।
सर वो टू को बी को प्लस टू प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई को टी लिया तो क्या बन गया वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स चमकता है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टी प्लस थ्री बाई टी प्लस वन अरे ये बात चमकती है क्या आपका क्या आ गया वन माइनस टू टी प्लस थ्री बाई टी प्लस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स यहां तक क्लियर है तो क्या हो रहा है बताओ माइनस टी प्लस थ्री है ना सर वो टू टी प्लस थ्री कितना हो गया फिर इससे माइनस टी प्लस फोर माइनस टी प्लस टू बाई टी प्लस वन प्लस डी टी बाई डी एक्स सर माइनस टू होगा ना सर माइनस टू माइनस टी माइनस सही तो लिखा है हाँ सर ठीक है तो अभी ये क्या लिखा हुआ है टी प्लस वन बाई टी प्लस टू इंटू डी टी प्लस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या इसके आगे सॉल्व कर लेंगे सभी लोग अरे आपको चमक रहा है क्या कर क्या रहे हो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो आप कैसे भी करके वेरिए आप कैसे भी आपका ठीक आपने कॉपी आप कॉपी कर लो सर कॉपी कर लिया आपने नहीं कॉपी करिए इसको आप सर इस क्वेश्चन में x माइनस वाई प्लस वन को t लेके भी हो रहा है चलेगा चलेगा कॉपी कर लिया क्या बोलो हाँ सर ठीक है तो देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे ठीक है मतलब एक्चुअली में जब एक्चुअली हम लोग पूरे सिस्टम में क्या पढ़े कि कोई भी जो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दो वेरिएबल वाला हमारा एम क्या रह रहा है फाइनली कि हम पूरे सिस्टम को किस में चेंज कर पाए एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई में अगर चेंज कर पाते हैं तो हम लोग फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं ये बात चमकती है क्या हमारा एम रहेगा क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना ये बात चमकती है क्या क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना ये क्लियर है क्या सभी को तो इस काम को बोलते हैं या इस फॉर्म को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल क्या बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक्स के साथ डीएक्स के साथ एक्स वाला आ जाए और वा और डीवाई के साथ वाई वाई वाला आ जाए ये बात क्लियर है क्या सभी को हाँ सर ठीक है तो देखो कैसा होता है सिस्टम कैसे बनता है पहले ये समझा जाए तो हम लोग एक्चुअली सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग जो भी डीवाई बाई डी में होता है ना उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं क्यों बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या होता है देखेंगे सर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं ठीक है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल यू हैव ओनली वन मेथड अंडरस्टैंड दिस You have only one method variable separable. ये बात चमकती है. Now there are many ways to reach to variable separable. Fine. So I will first write direct variable separable. जहां आपको साफ साफ दिख जाएगा मतलब क्वेश्चन जो होगा हल्का फुल्का मैनिपुलेट करोगे तो सीधा किस में बन जाएगा mx dx plus ny dy में क्वेश्चन डायरेक्टली चेंज हो जाएगा ये बात चमकती है डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल इतना क्लियर है क्या सेकेंड क्या हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल जो अपन ने तुमने किया ना अभी किसमें किया
वो x प्लस वाई वाले सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करके आप कहां पहुंच गए वापस से वेरिएबल सेपरेबल। अरे चमकता है क्या? ठीक है तो ओके तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके सिलेबस में जो मेथड है वो एक ही है वेरिएबल सेपरेबल। अब उस रास्ते को पहुंचने के यू हैव इनफिनाइट वे नॉट इनफिनाइट वे ऑब्वियसली फिनाइट वे बट वो बोलने का एक रियोटरिकल बोला मैंने कि एक तो हो गया डायरेक्ट वेरिएबल साफ साफ दिख गया और एक हो गया सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल। कुछ कुछ आपने क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट वगैरह कर दिया दो वेरिएबल सेपरेबल। इतना तक क्लियर है क्या? ठीक है ना। अभी देखो फंडा क्या होता है कि एक तो हो गया आपको डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल, एक हो गया आपका सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है देखो क्या होता है ना कई बार अभी तक आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब में आपका सी आ रहा था कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन दे देगा कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 10 है तो आप उसे c इवैल्यूएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो जो c इवैल्यूएट करके आंसर आता है ना उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन और c के साथ जो आंसर होता है उसको क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये बात चमकती है क्या? c के साथ जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं C के साथ वाले आंसर को क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है ना। और अगर मान लो कुछ x और y दे दिया लेट से कि x इक्वल टू 1 पे समझाने के लिए बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में होगा y 0 है तो आप क्या कर सकते हो यू कैन इवेलुएट C ना। सो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो क्या होगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे सभी को क्लियर है ये पार्ट? हाँ सर। कॉपी करो
गया सर। हो गया सर। सबका कॉपी हो गया। एक मिनट रुक जाओ। मैं 7.3 एक्सरसाइज आपको भेज रहा हूं। ठीक है, मिल गया क्या? हाँ सर। अरे बाबा 7.3 मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। मिल गया। और मैं उसके आंसर भेज रहा हूँ। कितने देर में कर सकते हो 7.3? एक घंटे में हो जाएगा? ट्राई करेंगे। हाँ हो जाए, एक घंटे में हो। एक घंटे में 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला थोड़ा अजीब सा है, चाहो तो छोड़ो, चाहो तो आंसर नहीं तो ठीक कर लो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अपन क्लास अपन वापस मिलते हैं 12 बजे। आपको 40 मिनट के फालतू में नेट चला के बैठने का क्या मतलब बनता है? ठीक है, अपन मिलते हैं 12 बजे। अभी कितना 11:20 हो रहा है ना। हेलो सर। भाई अभी 11:20 हो रहा है, 40 जैसे अपन क्लास में नहीं करते थे, मैं आपको काम दे देता आप काम करते रहते थे, तो वैसे ही करेंगे। 40 मिनट दिया, लेट्स मीट एट 12:00 अगेन। सबको काम क्लियर है? चलो ओके।